तारे एवं सौर परिवार, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ बहुत चमकीले होंगे और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनको सावधानी पूर्वक देखिए। आप यह देखेंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आपको इन तारों जैसे कुछ ऐसे भी पिंड दिखाई देंगे जो टिमटिमाते नहीं हैं। इन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीपित पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। चंद्रमा, मून। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए। आप देखेंगे कि हर रात्रि चंद्रमा की रूपरेखा बदलती रहती है। कुछ दिन चंद्रमा की आकृति पूर्ण गोल प्रतीत होती है और कभी कभी जब स्वच्छ आकाश में भी हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहलाती है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग दिखाई देता है, इसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरे दृश्य देख पाते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीपित भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की तरह अब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ परावर्तित कर देता है। इसीलिए हमें चंद्रमा के उसी भाग दिखाई देता है जिस भाग पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा की प्रदीपित भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीपित भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर सबसे पहले अपने कदम रखे थे। तारे, स्टार्स। आकाश में आपको असंख्य तारे दिखाई देंगे। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि सारे तारे समान रूप से चमकीले नहीं होते, ना ही सारे तारों का रंग एक जैसा होता है। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, परंतु अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमें अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि सूर्य अन्य तारों के मुकाबले पृथ्वी से काफी पास में है। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको दिखाई देगा कि तारों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व से उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में उस्थित हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि असल में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तारामंडल कॉन्स्टलेशंस। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि आकाश में तारों का कुछ समूह आकृति बनाए हुए है। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश्य थी। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल उर्सा मेजर है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा सप्तर्षि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीत होते हैं। इस कलछी के हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सिरियस है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि की प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। सौर परिवार सोलर सिस्टम। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। पृथ्वी एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। सूर्य सन। सूर्य हमेशा हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। ग्रह प्लैनेट्स। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनकी परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को भी सूर्य का उपग्रह कहा जाता है, अद्यापि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाली पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का प्रयोग होता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्य उदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है, अतः यह वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रातः प्रारंभ तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष में पूर्ण पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं को प्रेक्षण करेंगे। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है ताकि पृथ्वी पर सही ताप, परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडलीय तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, यह उपग्रह चंद्रमा है। मंगल पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। यह हल्का रक्तभाव प्रतीत होता है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी है। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन के सहायता से करें तो आपको इसके चार बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। बृहस्पति के परे शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस और नेपट्यून यह सौर परिवार के 72वां ग्रह है। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य चार ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून, आंतरिक ग्रह की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर विलय निकाय है। बाहरी ग्रह के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। धूमकेतु कॉमेट्स धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य है। यह अत्यंत परवलय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से पैर होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हैले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। उल्काएं तथा उल्कापिंड, मीटियोर्स एंड मीटोराइट्स। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारा सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। अद्यापि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण यह तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कुछ उल्का आकार में इतने बड़े होते हैं कि पूर्णतः वाष्पित नहीं होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करता है जिससे सौर परिवार बना है। कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोचन पृथ्वी से ही किया गया है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, कल्पना आदि है। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। धन्यवाद। थैंक यू।